2 से 3 महीने का समय ले लेते हैं। इसमें आपको अलग से कोई इसमें हेल्प करने की, कोई क्लिप लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच बुलडॉग के कान खड़े होते हैं, जर्मन शेफर्ड के कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप हमेशा सिंपल पहले कैल्शियम और उसके साथ ग्लूकोसामाइन अगर जरूरत पड़े तो। बाकी रही बात ये ब्रीड बड़े घर में रखने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, छोटे घर में रहना, फ्लैट में रहने के लिए बेस्ट ब्रीड है, अच्छे वॉच डॉग हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि फ्रेंच बुलडॉग भौंकते नहीं है, ये भौंकते भी हैं, अच्छा वॉच डॉग है छोटे घर में। और सबसे प्लस बात ग्रूमिंग की, छोटे बाल होने के कारण आपको ज़्यादा हेयर फॉल में दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा आपको इसको ग्रूमिंग की टेंशन नहीं। हाँ, नेल क्लिपिंग वो करना पड़ेगा, जैसे छोटे बने के नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बड़े डॉग का तो आपको मालूम ही है जितना आप रफ फ्लोर पर उसको घुमाओगे वॉक कराओगे उतना वो कंफर्टेबल रहता है। फ्रेंच बुलडॉग है, रिपीट अगेन, ये फ्रेंच से नहीं होते, फ्रेंच में ज़्यादा फेमस हुए इसलिए फ्रेंच बुलडॉग इनका नाम है। ये वैसे बेसिकली ब्रिटिश चाहिए, ये आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। अभी आप इसका प्राइस पूछोगे, हमेशा जो सोलो कलर का फ्रेंच बुलडॉग होता है ना, इसका प्राइस 20-25 के आसपास होता है। अगर आपको किसी ब्रिंडर कलर, वो आपको शायद 15 या 12 या 10 का भी मिल जाए, ब्लैक एंड वाइट हमेशा 15-20 के आसपास घूमता रहता है। एंड ऑफ द डे ब्लड लाइन के ऊपर प्राइस डिपेंड रहता है और मार्केट के ऊपर, अभी का समय चल रहा है, अभी प्राइस का ये है, हो सकता है 2 महीनों के बाद ऊपर जाए या नीचे। अभी बात आती है खान पान के ऊपर, मैडम हैं जो इसको स्टार्टर फीड दे रहे हैं, वो गलती से गलत फीड ले आए, वो रॉयल कैनन का मैक्सी स्टार्टर ले आए, मैक्सी का दाना बहुत बड़ा होता है। अभी वो दाने को पहले मैश करते हैं, फिर पानी में भिगोते हैं 30-40 मिनट, कितने गुड़िया जी 30 मिनट्स, उसके बाद फिर उसको दही में मिक्स करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप नॉर्मली जब भी आपके पास, जैसे छोटी ब्रीड है तो छोटे दाने वाली ब्रीड स्टार्टर, वैसे 2-3 तरह के अलग अलग स्टार्टर आते हैं, छोटे और बड़े। छोटा स्टार्टर लीजिए माई फ्रेंड, छोटे दाने वाला, आप क्या करना है, मान लीजिए 3 चम्मच दही के में आपको मिक्स कर देना है। ज़्यादातर बेस्ट मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि किस में मिक्स करूँ, गर्म पानी में अभी ठंडी आ गई है, या फिर दही में, तो हमारा हमेशा जवाब होता है कि भाई आप दही में मिक्स कर लो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, नहीं तो दही में थोड़ा सा पानी डाल लो, उसी में अगर 1 चम्मच इसका एक डाइट खाता है एक डाइट में, तो 1 चम्मच दाना इसका फीड का मिक्स कर लो, उसको अगर 10 मिनट आप भीगा रहने दोगे ना, तो दही का टेम्परेचर भी नॉर्मल आ जाएगा। अगर आपने मान लीजिए घर वालों ने कहीं से फ्रिज से निकाला है या कहीं और, दूसरा प्लस पॉइंट उसका क्या है, फीड का दाना सॉफ्ट हो जाएगा, तो फोर्क के साथ बड़े आराम से आप मैश कर सकते हो। तो दिन में 4 टाइम खाना, स्टार्टर फीड सुबह 8 बजे के आसपास, फिर 4 घंटे बाद 12 बजे के आसपास, फिर 4 घंटे बाद लगभग अराउंड कह लो कि 4 बजे के आसपास, और लास्ट और आखिरी खाना 4 घंटे बाद 8-9 बजे के आसपास। यही इसका डाइट प्लान बने रखिए, तो आपका डॉग मोटा तगड़ा हेल्थी रहेगा। हाँ, हर 10-12 दिन के बाद पेट के कीड़ों की दवाई देते रहिए। जैसे इस केस में उन्होंने मेरे को बताया कि ये डॉग जब भी बाहर छोड़ते हैं, घास फूस कंकर पत्थर या कहीं भी मॉस्किटो इंसेक्ट की तरफ जाता है, तो ये जरूर, ये कभी कभी पोटी, जो अपनी पोटी करते हैं वहाँ भी मुंह मारने की कोशिश करता है। तो हमेशा ये जब कंकर पत्थर घास खाना, खाकर उल्टी करना, समझ लीजिए कि आपके डॉग को पेट के कीड़ों की दवाई की ज़रूरत है। माई फ्रेंड, तो दिस ब्यूटीफुल ब्रीड फ्रेंच बुलडॉग, अगर आप इस सीज़न में, अगर आपके पास समय कम है, घर छोटा है, कोई भी अच्छा वॉच डॉग, जो आजकल सिक्योरिटी का हम सभी को, चाहे वो फ्लैट में कोई रहता हो या कहीं भी रहता हो, अच्छे फ्रेंडली अच्छे गुड डॉग वॉच डॉग में ये ब्रीड है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी मेरे फ्रेंड। तो आज का इसके साथ इतना ही, बाकी आपका थैंक यू।